अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ रोही के साथ मैं हूं नायला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर कपास की फसल को सफेद मक्खी के हमला से बचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से डायरेक्टर जनरल पेस्ट वार्निंग फकीर अहमद, साबिक डीजी ज़राअत कंसल्टेंट डॉक्टर अंजुम अली, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद सिफातुल्ला, असिस्टेंट कमिश्नर राधनपुर मोहम्मद आमिर जलवानी और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद हनीफ खान मशहूरी ने कोटला नूर मोहम्मद और रख फाजिलपुर में कपास की फसल पर ड्रोन के जरिए ज़रई अद्वियात का स्प्रे कराया। उन्होंने कहा कि मुतासरा इलाकों में मुफ्त स्प्रे किया जा रहा है, काश्तकारों को तकनीकी मुआवनत फराहम की जा रही है। कपास की फसल को सफेद मक्खी से बचाने के लिए ड्रोन के जरिए स्प्रे शुरू करवा दी गई है। मजीद तफसीलात के मुताबिक जिला राजनपुर की तमाम नहरों में पानी वाफिर मकदार में मौजूद है। काश्तकारों को चाहिए कि वो कपास की फसल में पानी की कमी हरगिज ना आने दें। महकमा ज़राअत के अफसरान ने कपास की फसल का मुआयना किया और काश्तकारों से मुलाकात की। सैफुल्ला खान, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, राजनपुर। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ रोही न्यूज।